हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आप ही के फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉबनी 0.2 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। भाई बात करते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से ग्रुप डी की एग्जाम स्टार्ट हो चुकी है। अब देखो आज की पूरी इसकी एनालाइज हम करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा इसमें सवाल होंगे तो मैं महत्वपूर्ण वो बता दूं मैं आपको कि आपका उपस्थिति कितने परसेंट रही, कितने बच्चे टोटल यहाँ पर एग्जाम दे सकते हैं, तैयारी करने वाले कितने परसेंट बच्चे हैं और टाइम नहीं दे पा रहे वो क्या कारण है, और आपका यहाँ पर चीज महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि कितने बच्चे यहाँ पर क्या कारण है कि आपकी उपस्थिति इतनी ज्यादा हो रही है। देखो इतनी ज्यादा उपस्थिति क्यों हो रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा, हर एक चीज का डाउट्स का यहाँ पर क्लियर करने का काम करूंगा। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आपका रेलवे रिक्रूटमेंट सेल में जो आज आपका एग्जाम हुआ वो कैसा रहा, ठीक है ना। देखो मेरे दोस्त, आज का एग्जाम आपका, कई बच्चे बोल रहे थे सर हमारा अच्छा हुआ, कई बच्चे बोल रहे थे खराब हुआ, तो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी लाइव आपके लिए चला दिया था, वो बात अलग है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आज की उपस्थिति कितनी परसेंट रही। देखो मेरे दोस्त, मैंने आपको पहले आपको वीडियो के माध्यम से यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कराई है कि यहाँ पर लगभग लगभग है ना, ज्यादा से ज्यादा आप मान लो तो कम से कम यहाँ पर 40% ही उपस्थिति होने वाली है, और वो कि वो हुआ दोस्त, 40% ही आपकी उपस्थिति यहाँ पर हुई, यानी कि 40% ही उपस्थिति बच्चों की यहाँ पर देखने को मिली। अब 40% भी क्यों मिली वो चीज भी आपको क्लियर कर देता हूँ। मेन कारण है अपने जिले में सेंटर देना। क्या कारण है? अपने जिले में सेंटर देना। अब जो बच्चा नई तैयारी कर रहा है, जो बच्चा ग्रुप डी की तैयारी बोल चुका है, यानी कि अदर स्टेट्स की, अपने स्टेट्स की एग्जाम में लग चुका है, जो बच्चा अदर तैयारी कर रहा है वो भी एग्जाम देने जाएगा, क्योंकि यार अपने जिले के सेंटर में सुबह जाओ आप शाम को वापस आ जाओगे, यानी कि आप ये कोई सी भी पारी में हो अपने जिले में सेंटर होगा तो सारे बच्चे लगभग एग्जाम देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर 40 में से बता दू आपके 10%, यानी कि ऐसा मानो कि 30% बच्चे हैं ना वही एग्जाम के प्रति सतर्क है, और 10 तो वो बच्चे आ रहे हैं, 40 में से 10% तो वो बच्चे आ रहे हैं जिनका आपका एग्जाम अपने जिले के होने के कारण वो देख के आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना। टोटल कितने बच्चे यहाँ पर एग्जाम दे सकते हैं रेलवे ग्रुप डी का, तो आपको पता है मेरे दोस्त कि आपको पता होना चाहिए दोस्त कि आपको यहाँ पर 1 करोड़ के लगभग आपके फॉर्म है। अब देखो मैं यहाँ पर बताऊं, 1 करोड़ के अंदर से लगभग मैं एवरेज निकालूं तो 50 लाख बच्चे तो एवरेज है यहाँ पर एग्जाम देंगे ही, मातर और माता यहाँ पर 50 लाख बच्चों के बीच भी आपको यहाँ पर एग्जाम देंगे। 50 लाख बच्चों में बता दूं मेरे दोस्त, 40 लाख बच्चे आपके एग्जाम देंगे। अब कंपटीशन देख लो, यानी 1 लाख प्लस पोस्ट है आपकी, एक पोस्ट के ऊपर 40 बंदे यहाँ पर आ रहे हैं अभी बता रहा हूं। वो कौन से आ रहे हैं? वो बंदे आ रहे हैं आपके, जो बंदे यहाँ पर सारे बंदे मतलब जो पढ़ने वाले भी हैं, जो ग्रुप डी की तैयारी करने वाले भी हैं और नहीं भी तैयारी करने वाले, क्योंकि कई बच्चे ऐसे भी तो हैं 2019 से आपके कई बच्चे जॉब भी लग चुके हैं वो भी एग्जाम दे रहे हैं, हकीकत बता रहा हूँ वो भी एग्जाम दे रहे हैं, कई बच्चे यहाँ पर प्राइवेट काम कर रहे हैं वो भी एग्जाम दे रहे हैं। तो वो आपको पता यार, जब पढ़ाई से 2 महीने आपका, यदि आप दूर चले जाते हो तो बहुत दूर चले गए ऐसे मान लो। तो आपको बताना चाहता हूँ जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं ना उनकी तैयारी करने वाले कितने परसेंट हो सकते हैं, तो मैं बता दूं इनमें से एवरेजन 10 लाख बच्चे आपके तैयारी करने वाले हो सकते हैं, 10 लाख बच्चे आपके एवरेजन तैयारी करने वाले हो सकते हैं। बाकी तो देखो यहाँ पर जो आ रहे हैं वो आपकी यहाँ पर एवरेजन आ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपका लाइव यहाँ पर बात की है, जो बच्चों से सुना, कहीं बोल रहा था सर मैं तो यहाँ पर इतने दिन से वो काम कर रहा था, वैसे एग्जाम मेरे सेंटर में आया, मेरे जिले में आ गया तो मैं देने आ गया, मैं यहाँ पर स्टेट पुलिस की एग्जाम की तैयारी करता हूँ तो आपका यहाँ पर आ गया सर मैं ये तैयारी करता हूँ, तो उस कारण से आपका वो एग्जाम देने आ गया, ठीक है ये बात। अब देखो टाइम नहीं मिल पा रहा, मेन चीज क्या हो रहा है कि महत्वपूर्ण मुद्दा रोल अदा कर रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा सर पेपर करने के लिए, टाइम नहीं मिल पा रहा। बिल्कुल दोस्त आपके साथ नहीं सबके साथ ये हुआ, क्योंकि रीजनिंग का लेवल और मैथ का लेवल अच्छा खासा था, रीजनिंग का लेवल और मैथ का लेवल अच्छा खासा था, ये बात आप ध्यान रखना। तो आपसे रिक्वेस्ट है रीजनिंग और मैथ के ऊपर अभी भी आप फोकस कर सकते हो, यदि आपका एग्जाम लास्ट में होता है तो, ये बात आप ध्यान रखना। अगले अगले में यदि आपका अगले फेज में एग्जाम है सेकंड फेज में, तो जो बच्चे एग्जाम अगले फेज में है वो बच्चे भी बता दूं आपको, यहाँ पर जो भी बच्चे एग्जाम में वो रीजनिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके नंबर बना सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है रीजनिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, और जो भी अपडेट होगी, जो भी जानकारी होगी, वो आपको ऑल इंडिया जॉबनी 0.2 पर रेलवे से संबंधित पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। पर डे की आपको कट ऑफ यहाँ पर मिलती रहती है, पर डे की कट ऑफ मिलेगी, पर डे का आपको एनालाइज मिलेगा, हर तीनों शिफ्ट का एग्जाम का आपको तीनों शिफ्ट की जानकारी दूंगा, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से कट ऑफ हो रहे हैं, क्या हो रहा है, सब कुछ आपको अपडेट दे रहा। प्लीज
प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए आपका भाई आपके लिए एक और नई वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जो इस वीडियो को देख रहा है वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पढ़ाई को जारी रखिए दोस्तों। ये मत सोचना कंपटीशन कम है तो हम निकल जाएंगे, नहीं दोस्त ऐसी कोई बात नहीं है, सबको पढ़ना चाहिए और पढ़ने वाला बच्चा ही हमेशा सक्सेस होता है, ये बात मैं हकीकत बता दूं। तो आप पढ़ाई को जारी रखिए, रीजनिंग के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए, मैथ के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए, साइंस भी आपका अच्छा खासा आ रहा है। तो मैं तो पहले से आपको यहाँ पर 3 महीने पहले बोला था साइंस मैथ और रीजनिंग के ऊपर फोकस कर लो, जेके के ऊपर फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी अपडेट्स भी आपको देता रहूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।